अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया। मेरा इस्तांबुल में सिर्फ दो ही दिन का क़याम था और ये सामने जो है ये एमिनोनी का मेट्रो स्टेशन है। मैं सिरकी जी से एमिनोनी आया, एक ही स्टेशन दूर है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर अब यहाँ से मैं ट्राम में बैठ के, और मतलब है तो वो मेट्रो ही, उसमें बैठ के फिर मैं अयूबिया जाऊँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बड़ी मॉस्क है, सुलेमानी, ये बड़ी मॉस्क है और उसके सामने जो है ना वो सुलेमानी मॉस्क है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो बड़ी आप देख रहे हैं ना फेरी, ये यहाँ पे एमिनोनी से प्रिंसेस आइलैंड, कैडोका है और बहुत सारी जगहों पे जाती है। ये पूरा इनकी आबी गुजरगाह है, ये बेसाफोरस का मेन गुजरगाह है जो मरमरे सी से ब्लैक सी को एक दूसरे से मिलाते हैं। दिलकश और खूबसूरत जगह, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी सर्दी लगी। सामने ग्लाटर टावर आपको नज़र आ रहा होगा, यस ये ग्लाटर टावर है, ये भी बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग इसमें जाते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एमिनोनी का स्टेशन है, एक वो था और एक ये है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बड़े मशहूर फिश कबाब बेचने वाले, फिश बर्गर बेचने वाले बोट है। अब आजकल कितने की है, पहले तो 10 लीरे की थी, अब पता नहीं है कितने की। ये सामने एक और मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मुझे अयूबिया जाना है, मगर अभी चूँकि मेरे पास बहुत टाइम है तो मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों को ये दिखा दूँ। बहुत मशहूर है ये फिश, पहले तो ये एक था, अब ये तीन और हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा ये 15-10 की जगह 15 का। हाँ माशा एक्सक्यूज मी, हाँ मच फॉर वन इंग्लिश, ओके भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती कि अब ये 10 से 10 की बजाय 150 का है, 150 लीजिएगा। कोला जो है वो 50 लीजिएगी, फंटा 150 लीरे का है ये एक बर्गर। तो अच्छा बड़ा फिश बर्गर होता है और ये मतलब होता सारा फिश का ही, इसमें चिकन विकन वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से ये प्रिंसेस आइलैंड का लिए फेरी चलती है, पहले ये 60 लीरे का था, अब ये 80 लीरे का है, तो इतना महंगा नहीं है। वन टाइम यानी वन वे, आप वापस आएंगे तो फिर दोबारा आपको 80 लीरे फिर देना। मगर इसमें एक गवर्नमेंट फेरी भी चलती है जो हुकूमत की तरफ से, वो थोड़ी सी सस्ती है, वो शायद 60 लीरे की है, मगर वो यहाँ से नहीं चलती, ज़रा थोड़ा सा दूर है वो। अब मैं अपने स्टेशन में पहुँच गया हूँ। ये सीकल है, ये इस्तकबाल करने आई है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए डरती नहीं है लोगों से। यहाँ सीकल जो है ना वो ह्यूमन फ्रेंडली है। ये सामने जो है ये स्टेशन है, इत्तेफाक से ये इसका आखिरी स्टेशन है और मुझे भी इसके आखिरी स्टेशन ही जाना है, यानी यहाँ से आखिरी और वहाँ से आखिरी। T5 ट्रेन नंबर 5 है और ये एमिनोनी से अयूबिया तक जाती है, जहाँ मेरा जो बस का स्टेशन है ये वहाँ तक जाती है। अब मैं अपने स्टेशन के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। अली बे स्टेशन है, ऑटोगार है, यहाँ पे ऑटोगार बोले तो बस का आखिरी स्टेशन है इस्तांबुल सिटी के अंदर। वैसे तो जो ओरिजिनल ऑटोगार है वो मेन सिटी सेंटर से कोई तकरीबन 60-62 किलोमीटर दूर है और ये करीब है बारह, बहुत इजी एक्सेस है। सिरकी जी से आप ट्राम चेंज कर लें, M5 में आ जाएं और M5 से आप सीधा ये लास्ट स्टेशन पे आ जाएं। और जो मेरी अगली डेस्टिनेशन है वो बहुत ही शानदार है, बड़ी तारीखी जगह है, तो इंशाल्लाह मैं पहुंच के आपको बताता हूँ कि वो क्या जगह है। ये स्टेशन है जी अली बेग स्टेशन और वो सामने ऑटो का ये ब्रिज है, कि जैसे ब्रिज क्रॉस करेंगे तो सामने आपको बस स्टेशन मिल जाएगा।
ये ब्रिज है और वो सामने मेट्रो है। यहाँ से ब्रिज से आप क्रॉस करेंगे और सीधा बस स्टेशन है। मतलब त्रिची में ना इन लोगों ने एक काम बड़ा अच्छा किया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सेसिबल है, कहीं भी आपको जाना हो ना प्रॉब्लम नहीं है, जंजाल नहीं है। बहर टैक्सी यहाँ जंजाल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टैक्सी में सफ़र करने का मतलब अपने ऊपर जंजाल मोल लेने वाली बात है। ये बस स्टेशन है, ये मेन नहीं है, मेन तो मैं पहले बता चुका हूँ कुछ और। ये इन्होंने नया अभी बनाया है, तो मेरे ख्याल एक आध डेढ़ साल हुआ ये बना हुआ है और है बड़ा एक्सेसिबल है। ये बहुत महंगी वेसिनिटी में है, महंगे तरीन इलाके में है ये। आज मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत दिलकश मौसम है, बड़ा ही शानदार नज़ारा है, देखने के काबिल है। कुछ लूँ आपको खाने को, पीने कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक टी? पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस यहाँ से सामान रखा गया, अब आप बस में जाएंगे। ये है अंदर बस, लग्जरी बस है, वाह खुल है, ये सीट है। तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है इस्तांबुल से चनाकले। मैं एक नए शहर में आया हूँ, इसका नाम है चनाकले। ये जो चनाकले, ये जो चनाकले है ये मरमराए सी के ऊपर है और इसकी जो आबादी है वो तो टोटल 2 लाख नफूस से मुश्तमिल है। बस गर्सॉल, अब आइए देखते हैं कि स्टेशन तक और सॉरी होटल तक कैसे पहुंचते हैं। ज़रा ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ जो लोगों का हाथ अंग्रेज़ी में बहुत तंग है। मुश्किल तो है मगर नामुमकिन बहरहाल नहीं है। चना के लिए बहुत कम लोग आते हैं, मैं जिसके लिए चना के लिए आया हूँ वो आपको कोशिश करूँगा आज शाम को बता दूँ या कल सुबह बता दूँ। एक बहुत ख़ास चीज़ है जिसके लिए मैं चना के लिए आया हूँ। टैक्सी खड़ी है, कितने पैसे मांगते हैं ये नहीं पता है, और सामने से वैगन भी जाती है। पहले टैक्सी वाले से पूछ लेते हैं, अगर मुनासिब पैसे लेगा 200-250 लीरे लेगा तो चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वी लाइक टू गो फॉर दिस प्लेस, दिस प्लेस। ओके, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई वुड लाइक टू गो फॉर दिस प्लेस। You know this place? Okay. 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 How much are you going to charge? Lire. $250. Can you? मैं टैक्सी के जंजाल से बचता हूँ, मगर ये क्योंकि मीटर पे चल रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, मीटर पे चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स सी क्या होता है, शहर और एक नई जगह। ये जो सामने आप शीशा देख रहे हैं ये मीटर है, आगे शीशे के ऊपर ही ये मीटर लगा हुआ है। ये जरा सब डिजिटल है तो इसलिए ये तंग कर रहे हैं। ये जो चनाकले का बस अड्डा है या ऑटोगार है, ये चनाकले शहर से दूर है।
वैसे मैं आपको बताऊँ, आमतौर पर जो इनके बस अड्डे हैं उस शहर से ये दूरी बनाते हैं, मगर अब चूँकि इस्तंबुल इतना बड़ा है, अजमेर या अंताल्या, ये इतने बड़े बड़े शहर हैं कि वो अड्डे खुद ही बीच में आ गए। मगर एक और इसमें सहूलत है यहाँ पर जो आप सुन के बड़ा आपको अच्छा लगेगा, तो मिसाल के तौर पर आपने किसी एजेंट से लेट से लांडी से टिकट बुक करा लिया, तो वो एजेंट जो है वो शटल सर्विस के ज़रिए आपको प्रिंस सिनेमा के पास जो हैदराबाद का अड्डा है, जो भी लाहौर का अड्डा है, वो वहाँ छोड़ेगा। इसी तरह इन लोगों ने एक खर कराची में तो ऐसा नहीं है कि वो एजेंट के ज़रिए छोड़े, शटल सर्विस है डाइवो की, बाकी तो किसी की डाइवो सर्विस नहीं है। तो उसमें ये है कि वो ये क्या करते हैं कि आपने किसी एजेंट से टिकट बुक करा ली है तो कोई मसला नहीं है, वो आपको उस एजेंट के ऑफिस पहुंचना पड़ेगा एक मतलब टाइम पे, जब आप वहाँ पहुंच जाएंगे तो वो आपको वो ऑटो कार तक, वो बस अड्डे तक फ्री सर्विस पे छोड़ देगा। ये एक यहाँ पर बड़ी अच्छी रिवायत है, जो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम ज़रा इस तरह का है, कई कंपनीज हैं और मुख्तलिफ टाइमिंग है। अच्छा, कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, पूरे बस स्टॉप पे, बस स्टेशन में मुख्तलिफ लोगों को स्टेशन अलाउड किए हुए हैं, दुकानें अलाउड की हुई हैं, उसमें वो बैठ के आराम से अपना काम करते हैं, जो भी आ जाए, जो उनके पास जाए वो उनके पास जाए, जो किसी और के पास जाना चाहे वो किसी और के पास चला जाए।